ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में आए सुशील गुप्ता के प्रचार के लिए। तमाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पर जुटे, लेकिन इस बीच हमें एक खास कार्यकर्ता मिले हैं जो यहां पर अरविंद केजरीवाल के भाषण को सुनते हुए भी नजर आए थे। क्या नाम है आपका? निक्का राम। अच्छा निक्का राम जी, ये बताइए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम केजरीवाल के भाषण सुनने आए हैं जी, बहुत अच्छे करते हैं। अच्छा आपने भाषण सुना केजरीवाल जी का? हाँ जी, बहुत अच्छे करे हैं जी, बहुत अच्छा करा है। क्या अच्छा लगता है आपको? सब कुछ अच्छा है जी इसका। अरविंद केजरीवाल का कोई काम काज के बारे में आपको जानकारी है? हाँ जी, बहुत अच्छे करे हैं दिल्ली में, काम बहुत अच्छे करे हैं जी। क्या क्या काम किया दिल्ली में बताइए जरा? बहुत काम किए हैं जी, बहुत ज्यादा। बच्चों के लिए स्कूल डाल दिए, बहुत काम किए हैं जी, इसको बहुत अच्छे काम किए हैं जी। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? हम पेवा के ही हैं जी, सुमानपुर से हैं। अच्छा। ये गांव पड़ता है सुमानपुर। अच्छा पेवा से ही हैं आप, और यहाँ धूप में आकर आपने अरविंद केजरीवाल का भाषण सुना? हाँ जी, 2-2.5 घंटे हो गए मेरे को यही, मैं केजरीवाल का इंतजार कर रहा हूँ। तो धूप में आपको इंतजार करना ठीक लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या लग रहा है यहाँ पे पेवा में सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल के बीच में मुकाबला है? हाँ जी मुकाबला है, तो हमारा ये केजरीवाल ही आएंगे। अच्छा। केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप? हम आम पार्टी के कुछ नहीं जानते जी। अरे पार्टी के बारे में जानते? अच्छा ये पता है आपको अरविंद केजरीवाल जेल गए थे? हाँ जी जेल गए हैं, पता है जी मेरे को। और क्यों गए थे? बस जी बच्चों के लिए स्कूल बना दिए, इसलिए भेज दिया उनके बच्चों। अच्छा। के लिए स्कूल भेज दिया, अच्छा काम करने वाले को जेल ही भेज दिया, फिर क्या फायदा है जी उसका। अच्छा आपको ऐसे क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल को स्कूल बनाने की वजह से भेजा है? उन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। ये तो बहुत गलत है जी, बहुत ज़्यादा गलत है। इसके लिए जनता बहुत ज़्यादा खुला हो रही है जी, वे केजरीवाल को अंदर नहीं डालना चाहिए। हाँ जी चले, ये यहाँ पर निक्का राम जी थे और ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का भाषण सुनने के लिए 2-2.5 घंटे धूप में इंतजार कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल का भाषण सुना और इनको काफ़ी अच्छा लगा अरविंद केजरीवाल का भाषण। अलग अलग तरह से कार्यकर्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल के भाषण सुनने के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र के पेवा में आए। अरविंद केजरीवाल का रोड शो है और वो लगातार सुशील गुप्ता के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, और इस बीच हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कुरुक्षेत्र से अलग अलग रंग दिखा सकें। कैमरामैन नीतीश के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।